से सबसे पहले तो जिस तरीके से हमने फिल्म का हमने ट्रेलर देखा जो हमने गुल मकाई का, तो मतलब एक उसके बारे में किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ट्रेलर को लेकर? नॉन स्टारर फिल्म है, कोई इसमें स्टार नहीं है, कंटेंट बेस्ड है सब्जेक्ट। अभी तक 21 मिलियन कुछ हम क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, एक अच्छा फील हो रहा है कि नई चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, नया एक एक नए थ्योरी का इस्तेमाल किया है मैंने फिल्म के अंदर। थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा लोगों को, जबकि है पूरा रियलिस्टिक, इसमें कोई भी फिक्शन नहीं है, एक सिंगल पॉइंट फिक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है, एक वर्ड तक का फिक्शन नहीं है पूरी फिल्म। अगर डायलॉग में भी आप ध्यान देंगे, कैरेक्टर में भी, कैरेक्टर का पहनावा, उठना चलना बैठना, सब कुछ, मैनरिज्म तक का सब कुछ हूबहू रियल कैरेक्टर से ही है जुड़ा हुआ नाता। इसी के साथ में अगर बात की जाए सर, तो इस कहानी को चुनने की कोई खास वजह? एक तो ये मलाला यूसुफ़ज़ई पर बेस्ड है, नोबेल लॉरेट आपको पता हो, और ये जिनको यूनाइटेड नेशन ने पीस एम्बेसडर का ओहदा दिया है, जिनका नाम पूरी दुनिया में सबको पता है, और वो एजुकेशन एडवोकेट भी हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती हैं। तो वो जब इनको गोली चली थी तभी मैंने सोच लिया था इन पर फिल्म बननी है, इन पर बनानी होगी मुझे, और वो मैंने तभी वो सोच लिया था, और उसके बाद ही मैंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। तब मुझे पता भी नहीं था कि इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाएगा, या फिर इतने बड़े अहदे में खड़ी होंगी कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप सीधा तब्दील हो जाएगा ग्लोबल सिटीजनशिप में, तो तब भी मुझे पता नहीं था। जब बनता गया कारवां तो फिर लोग जुड़ते गए, यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट मिल गया मुझे, काफ़ी सारे डिप्लोमेट से हेल्प मिलने लगे, और आज हम एक अच्छे मकाम पे खड़े हैं, फिल्म रिलीज पे हैं। ओके, इसी के साथ में जब भी हम कुछ इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, कोई रियल कॉन्टेंट में हम फिल्में बनाते हैं चाहे वो, तो किस तरीके की रिसर्च एज ए डायरेक्टर करनी पड़ती है, एंड किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, किसी की बायोग्राफी अब जब बनाते हैं तो आपको तो सबसे पहले उससे परमिशन लेना पड़ता है जिसके ऊपर बायोग्राफी बना रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि परमिशन पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर फिल्म की तैयारी करते हैं। इस फिल्म का एक खासियत ही है कि मैंने फिल्म का विदाउट परमिशन फिल्म को बनाया है, मैंने कोई पूछताछ नहीं की उनसे, पूरी फिल्म कम्प्लीट करने के बाद उनको दिखाया और उनसे मैंने अप्रूवल ले लिया कि हाँ उनको अच्छी लगी फिल्म। तो ये सबसे बड़ा जोखिम भरा काम था कि आप एक किसी ऐसे इंसान के ऊपर फिल्म बना रहे जिनके साथ आप रूबरू मिले नहीं, जिसने अपनी बातें आपके सामने बताई नहीं, और जिनके फैमिली से भी आपका ताल्लुक नहीं रहा, कोई रابطہ नहीं कर पाया, और फिर आप उसी फिल्म को बना लेते हो पूरे रिस्क उठाकर कि कोई एलिगेशन आ सकता है, कोई रोक लग सकती है चीज़ों में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंट का लेवल हमने क्या रखा था। तो बस अब बन गई, और सपोर्ट भी मिला मुझे काफ़ी, पाकिस्तान से मिला सपोर्ट, पाकिस्तान के सेनेट, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, वहाँ के रिपोर्टर्स, वहाँ के ऑथर, वहाँ के ज़मीनी लोग, सबसे लेके एक सलाह करके राइटर भास्वती चक्रवर्ती ने इसको तैयार किया पूरे स्क्रिप्ट को। फिर हमारा दौर शुरू हुआ कि कास्टिंग करें, कास्टिंग में भी हमने उसी तरह के चेहरे का इस्तेमाल किया जो रियल लाइफ से सिमिलर हैं, रिजेंबल हैं, तो फिर उनको गेटअप देना, फिर उनको उस तरह का तैयारी करके उनको उस तरह का मैनरिज्म्स देना, और सब करके फिर आज तैयार है। और इसी के साथ में कोई ऐसी कोई खास रिसर्च जो आपने इस फिल्म के दौरान की गई हो? सारी रिसर्च भी है, क्योंकि घर के अंदर का अगर चादर, बिस्तर, उसका टेबल क्लॉथ और पेन, और कब तक का पूछे, घर का स्टेशनरी पूछे, स्कूल का बुक्स पूछे, स्कूल का साइन बोर्ड ले ले आप, गाड़ी का नंबर प्लेट, पहनावा, बैकड्रॉप, आर्किटेक्ट वहाँ का, पासिंग कैरेक्टर तक का रिसर्च के अंडर में है, क्योंकि हिंदुस्तान का सब्जेक्ट नहीं है सर, सब्जेक्ट पाकिस्तान का है। जब वो वहाँ पर थी, उन पर जो अटैक हुआ उससे पहले का पूरा वाक्य है। तो ये फिल्म में जो कुछ है सब कुछ रिक्रिएट किया गया है विथ ऑथेंटिसिटी। ओके, इसी के साथ में किरदार की अगर बात की जाए तो काफ़ी मंजे हुए कलाकार आपने आपकी फिल्म में लिए हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो या वो मुकेश ऋषि हो एंड या अतुल कुलकर्णी हो, तो मतलब किस तरीके से उनका चुनाव किया आपने, किस तरीके से फेस को रिजेंबल जो करते हैं जिनका फेस जिससे रिजेंबल, मैंने अभी पहले आपको बताया कि मुकेश ऋषि का जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो हाइट वेट और पर्सोना है, जो वॉइस टेक्सचर है, वो मोहम्मद फजलुल्ला जो रेडियो मुल्ला जिसको बोलते थे उसके साथ मिलता जुलता है। तो उनको मैंने पहले कंप्यूटर पर इनका फेस पे हमने दाढ़ी लगाया, हम इनको पगड़ी पहनाए, हम इनको कपड़े पहना के देखे कि हाँ भाई ये जा रहा है, फिर उनसे बात की, उनको कास्ट किया। तो पूरी फिल्म में जितने भी किरदार हैं, आरिफ जकरिया सुप्रीम मोहम्मद का किरदार किया है, पंकज त्रिपाठी ने बैतुल्ला महसूद का किरदार किया, तो अभिमन्यु सिंह ने उसका किरदार किया हकीमुल्ला महसूद का, सारी भाषमी ने अताउल्ला का किरदार किया जिसने गोली मारा था उसको, तो ऐसे हर किरदार मैच करता हुआ चेहरे पे हमने किया है उसको रिसर्च। दिव्या जी इनकी मम्मी का किरदार किया, रीम शेख ने अपनी खुद मलाला का किरदार किया है, अतुल भाई ने मलाला के पापा का किरदार किया।
ओके, इसी के साथ में कई लोग लेकिन फिल्म को लेकर विवाद भी उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपके खिलाफ फतवा भी निकाला गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब चलते रहते हैं, ये सब कुछ नहीं, ये न्यूसेंस है, ये हर जगह से होता रहता है, ये आते रहते हैं, तो उससे क्या कहना है उसमें? नहीं, लेकिन लोग कहीं ना कोई काफ़ी इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं आपके बारे में, तो उस पर आपके क्या रिएक्शन? मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ओके, तो इसी के साथ में कब आने वाली है फिल्म, एंड क्या कहना? 31 जनवरी को आ रही है फिल्म। अगर हर घर में आप झांके देखेंगे तो एक मलाला बैठी हुई है, और हर घर में एक लेडी थी, अबोला नाम था इनका, अबोला बोस। ये हिंदुस्तान में अगर विमेन एम्पावरमेंट या फिर गर्ल्स एजुकेशन की बात की जाए तो शुरुआत इन्होंने की थी। आज मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि हमें एक अबोला बोस चाहिए इस वक्त। उनको मलाला मिल गई और वो वहाँ से सीधा ग्लोबल सिटीजन बन गई। तो हमारे हर घर में एक अबोला बोस बैठी है चुपचाप से, एक कल्पना चावला बैठी है, एक पीटी उषा बैठी है, एक हो सकता है दीपिका बैठी हो, एक प्रियंका चोपड़ा बैठी है, एक निवेदिता बैठी है। इनको बाहर निकालें, इनको आने दें, समाज के लिए कुछ करने दें, इनको बोलने दें, और इनको आगे पढ़ाएं, आगे पढ़ाएं, बस दुनिया आगे बढ़ जाएगी। हम 21वीं सदी में खड़े हैं, आज हम वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत नीचे स्तर पर हैं। प्रोग्रेसिव तरीके से अगर पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड का हर एक कंट्री भाग रहे, तो हम थोड़ा सा पीछे हैं उस कतार में, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड लास्टली, इसी के साथ में अगर बात की जाए तो कितनी स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हो रही है? ये मेरा काम नहीं है कितनी स्क्रीन पे हो रही है फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह की फिल्मों को लोग देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कितनी भाषाओं में रिलीज होने वाली है ये? तो हम लोग इसको भाषाओं में, मतलब ये तो सबटाइटल में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रहे हैं। वो इंग्लिश सबटाइटल है, अरब GCC में हम लोग इसको अरेबिक सबटाइटल में कर रहे हैं, हिंदी छोड़ के और 4 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। थैंक यू सर। थैंक यू।